समाजवादी पार्टी की एक और एमएलसी ने अब इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले दो एमएलसी इस्तीफा दे चुके थे जिन्होंने बीजेपी के साथ वो मिल गए थे, लेकिन अब एक और एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया। एमएलसी सरोजनी अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है समाजवादी पार्टी से। इस्तीफे के बाद बीजेपी में शामिल हो गई है सरोजनी अग्रवाल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी में एक के बाद एक उनके बड़े एमएलसी अलग होते जा रहे हैं। दो एमएलसी के अलग होने के बाद अब सरोजनी अग्रवाल समाजवादी पार्टी से अलग हो गई है। एमएलसी के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एमएलसी सरोजनी अग्रवाल अब बीजेपी में शामिल हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दे, समाजवादी पार्टी में एक के बाद एक टूट देखने को मिल रही है। इससे पहले दो एमएलसी अलग हो गए थे, अब सरोजनी अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गई। अमितेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, क्यों इस्तीफा दिया गया सरोजनी अग्रवाल की तरफ से? देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही हैं, और अब जो तीसरा नाम जुड़ा हुआ है वो है सरोजनी अग्रवाल का। हालांकि सरोजनी अग्रवाल आजम खान की बहुत करीबी मानी जाती रही हैं, और हालांकि उन्होंने जब बातचीत करी न्यूज़ इंडिया से तो उन्होंने कहा कि देखिए, समाजवादी पार्टी के भीतर जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की जो स्थिति है उससे वो बेहद दुखी हैं, और दुखी होकर वो खासतौर पर समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी को अलविदा कह रही हैं। हालांकि इसके पीछे जो सियासी माने हैं वो कहीं नहीं निकाले जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से भी भारतीय जनता पार्टी को विधान परिषद में तकरीबन 5 सीटों की जरूरत है, ऐसे में जो सीटें हैं वो मैनेज की जा रही हैं। लेकिन सरोजनी अग्रवाल ने ये आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के भीतर मुलायम सिंह यादव की स्थिति ठीक नहीं थी, और मुलायम सिंह यादव ने ही उन्हें एमएलसी बनवाया था, और जो राजनीतिक जिस मुकाम पे वो हैं वो मुलायम सिंह यादव की वजह से हैं। ऐसे में मुलायम सिंह यादव की इस स्थिति से दुखी होकर इस्तीफा दे रही हैं। फिलहाल वो डॉक्टर रीता दोना जोशी हैं जो यूपी सरकार की कैबिनेट मंत्री हैं, उनके कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, और जो कई तरह के जो गंभीर आरोप हैं वो समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगा रही हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया अमितेश जानकारी देने के लिए। तो जिन मुलायम के कारण वो दो बार विधान परिषद की सदस्य बनी, अब उन्हें ये बात कही जा रही है कि जिस तरह से झगड़ा समाजवादी पार्टी में बढ़ता जा रहा है उसी वजह से वो समाजवादी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रही है। बढ़ते